प्रदेश में इन दिनों भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य कराया जा रहा है, जिसके तहत पौरी विधानसभा के आदिवासी बाहुल क्षेत्र मड़खेड़ा में मतदाता पुनरीक्षण कार्य का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा, पौरी SDM राजन बी नाड़िया, तहसीलदार प्रेमलता पाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष आशुतोष जैमनी, अरविंद सिंह तोमर और ग्राम पंचायत मलखेड़ा सरपंच मान सिंह, आदिवासी सचिव सकुन धाकड़ सहित ग्रामीणजन उपस्थित रहे, जहां राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने ग्रामीणजनों से माल्यार्पण कर स्वागत किया इसके बाद राज्यमंत्री ने 9 मतदाताओं को वोटर कार्ड सौंपे। कार्यक्रम के दौरान SDM राजन बी नाड़िया ने सभी ग्राम वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि इन दोनों मतदाताओं के नाम बढ़ाने और काटने का कार्य शुरू किया गया है। ऐसे में जिन मतदाताओं की 18 वर्ष उम्र पूरी हो गई है, वे अपना नाम मतदाता सूची में बनवाए। साथ ही सभी ग्राम वासियों से कहा कि चुनाव के दौरान बिना भय के मतदान करें। साथ ही मतदान केंद्रों का भी जायजा लिया। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। क्या क्या निकाला है तो बताओ ना, मुखिया क्या कह रहा है मध्य प्रदेश का, जो 10 साल मुख्यमंत्री रहा शिवराज सिंह जी से कहते हैं हमको वोट डर लग रहा मध्य प्रदेश में आने वाले। अरे मैं इस मंच से कह रहा हूँ, आपने आपका तो मिलो काटा भी मध्य प्रदेश सरकार तुम्हारे अभी लग रही। कमलनाथ जी से दिग्विजय सिंह कहते हैं मेरा फोटो मत लगाना, और फोटो लगाओगे तुझे दो चार तुम्हारे साथ चले जे भी नीचे लगे। आवासी और ये 8 बहन मेरे कार्यालय में आकर अपना आधार कार्ड दे के आ, बैंक की किताब की फोटो कॉपी दे के आ, और उन बहनों के लिए मैं 5,000 रुपए अपने निश्चित उन बहनों को डालूंगा। और चेतावन करो बहनों, जब आपको सुनना था और जो उनको लाभ मिल सकता किसी भी योजना का वो लाभ दिलाना था, उसके तहत नाबालिगी मतलब कि ऐसे लोग जो कि 18 साल से ज्यादा की उम्र की हो चुके हैं लेकिन रिकॉर्ड में उनका नाम अभी भी नाबालिग है, उनके आवेदन लेके उनका नाम को ठीक किया जाना था, उनको दुरुस्त करना था ताकि वो भी अन्य योजना के तहत इसका भी लाभ ले सके। हमारे यहाँ